नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। ग्रह जब बदलते हैं अपनी भूमिका तो बहुत ज्यादा बदलाव कर देते हैं अपने हमारी जिंदगी में। हमें किन चीजों के खास करके वो संकेत देते हैं, हमें बचने के भी संकेत देते हैं और हमें ये भी बताते हैं कि कौन सी परेशानी आ सकती है जिससे हमें सुरक्षित होकर के निकलना है। शुक्र की भूमिका, खास करके जब जब शुक्र का बदलाव होता है तो ये बहुत बड़ा चेंज करता है। शुक्र हमारी लग्जरीज, हमारी हैप्पीनेस और तो और शुक्र हमारे लिए फेम के कारक भी होते हैं। शुक्र का बदलना किन चीजों पर खास असर डालेगा? 4 मई को बदलाव हो रहा है शुक्र का अपनी ही राशि वृष राशि में, यानी टॉरस में वीनस का जाना। कितने बजे बदलाव होगा और क्या करेंगे शुक्र, किस तरीके से हमें अपने आप को अटेंटिव रखना है, किस तरीके से हमने आपको सुरक्षित रखना है। 1:25 पर शुक्र का बदलाव वृष राशि यानी टॉरस में हो जाएगा, जो कि 28 मई तक वो वृष राशि में ही रहने वाले हैं। और फिर 28 मई यानी हम 4 मई से लेकर के 28 मई तक शुक्र जब वृष में रहने वाले हैं, क्या इसके अलावा किसी और प्लेनेट का ट्रांजिट होगा? हाँ जी, सूर्य का ट्रांजिट भी वीनस में यानी शुक्र की राशि में, वृष राशि में हो जाएगा, वो भी 14 मई को यानी 14 मई को। आंशिक पापी ग्रह कहते हैं इसे, आंशिक मतलब लिटल मैलिफिक। वृष राशि में आने से काल पुरुष की कुंडली की जब हम बात करते हैं तो सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव सेकंड हाउस, जिसे हम धन भाव कहते हैं, हमारी मनी का भाव भी होता है, हमारी हार्डकोर इनकम का भाव होता है। जितनी मेहनत करें कितना फल हमें मिलता है, कितना धन मिलता है, तो सेकंड भाव का रोल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है और फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के तो ज्यादा ही हमें सेकंड भाव को तवज्जो देनी चाहिए और सेकंड भाव को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और फिर खास करके वीनस का रोल आ रहा है तो खर्चीलापन तो वो दिखा ही रहा है कि आपने आपकी जेब में पैसा आया, ये जी उड़ गया। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आपको संभलना कैसे है, क्या करना है, वो भी बताऊंगी आपको। धन भाव, कुटुंब यानी पारिवारिक लाइफ हमारी, और भी बहुत सारे भाव का कंसर्न होता है, लेकिन मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब वृष राशि में शुक्र का बदलाव है तो हम सिर्फ सेकंड भाव को ही इंगित कर रहे हैं। सेकंड भाव से ही हम बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, वो भी आपको कहीं ना कहीं देखना, अभी शुक्र का बदलाव है, अब शुक्र किस स्थिति में रहेगा, किस तरीके से रोल निभा सकता है, क्या वो कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है, कहीं मैलिफिक प्लेनेट के एस्पेक्ट में तो नहीं है, क्योंकि पापी ग्रहों की दृष्टिगत संबंध तो नहीं बन रहा। बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। पढ़ाई का भाव, आपकी वाणी, बोलना, कितना बोलना चाहिए, क्या बोल करके कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें भी समझने की जरूरत है। तो वाणी का भाव, खर्च कितना करेंगे आप, पैसा कितना स्पेंड करेंगे, और पैसा दिखाते हुए कहीं दुश्मन तो नहीं बना रहे आप, यानी पैसा अगर आप किसी की मदद कर रहे हो और जब नहीं करेंगे तो वो दुश्मन भी बन सकते हैं आपके, ये भी सिचुएशन तो नहीं कहीं आपके साथ बनने वाली। मारक भाव भी होता है सेकंड भाव, यानी दवाइयों पर ज्यादा खर्च तो नहीं होने वाला। और लेकिन जब हम बात करते हैं कि शुक्र की, तो शुक्र हमारे द्वितीय यानी सेकंड भाव के स्वामी है और सेवेंथ भाव यानी सप्तम के स्वामी, सप्तमेश भी शुक्र है और द्वितीयेश भी हमारे शुक्र यानी वीनस ही है। पैसा दिखा करके शत्रु बन सकते हैं आपके, ये सिचुएशन जब खास करके ये इस समय की 4 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक की सिचुएशन बता रहे हैं, तो खास करके वृष और तुला राशि वालों को बहुत ही फैसले लेने से पहले कुछ समझने की, सोचने की जरूरत है।
द्वितीयोश और सप्तमेश की तो बात है ही, लेकिन गोचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, राहु बुध के साथ शुक्र की युति है, तो ये भाव जो है ये डिस्टर्बेंस देगा आपको, वरना बहुत परेशानी देगा, खर्च भी बढ़ाएगा, बीमारियों पर खर्च भी बढ़ाएगा, और बेवजह के आपके पैसा देख करके दुश्मन भी बनेंगे, ये भी आपको कर सकता है, आपके बेवजह के खर्चे बढ़ा करके लग्जरीज पे इधर उधर अपने शौक पूरे करने के लिए ऑनलाइन कुछ सामान खरीद लेंगे और इतना सामान खरीद लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, और उसकी तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है, पढ़ाई में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं लगने वाला, फ्रेंड सर्कल आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो यानी अगर के हम कुल मिला करके ये सारी चीज़ें देखते हैं तो शुक्र की भूमिका आपके जीवन में ये बदलाव, वृष और तुला राशि वालों के लिए ये बदलाव बहुत ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहे। अब शुक्र पाप कर्तरी में भी है, यानी मैलिफिक प्लेनेट के घेरे में आ जाएगा शुक्र, तो ऐसे में तो ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे में तो हमें और ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली एक खर्च आपका बढ़ेगा हेल्थ इश्यूज को लेकर के, यानी डॉक्टरों पे निकलता जाएगा, और दूसरा जो थोड़ा बहुत पैसा आपका बचता भी है वो तो सामने वाले आपके ऊपर हावी होकर के पैसे निकालना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आपने क्या चीज़ों को कंट्रोल करना है, ये शुक्र की राशि वालों के लिए खास करके है, वृष राशि और तुला राशि यानी टॉरस और लिब्रा। एक तो आपने अपने इमोशंस पर खास करके कंट्रोल रखना है, वरना ऐसा ना हो कि बाहर के चक्कर में आप अपने घर से भी बाहर हो जाए, तो ज़्यादा ही बाहर रहना पड़ जाए, ये ध्यान रखिएगा। और फिर दूसरा, आपने अपने कुछ बाहरी रिश्तों को गैप दे दीजिए, वरना आपके घर के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और तीसरी बात, बेवजह के जो एक्सपेंडिचर आप करते हैं दूसरों के ऊपर, यानी जब आपके घर के ऊपर खर्च करने की बारी आएगी तो वहां आप अपनी बहुत कड़की दिखा देते हैं, आपको लगता है कि नहीं यहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन जब आप बाहर दूसरों के ऊपर स्पेंड करने की बारी आती है तो वहां आप बड़ी जल्दी हाथ आगे बढ़ा देते हैं। और तीसरी बात, एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिखावा करने से बचे, प्रैक्टिकल जिंदगी से बहुत दूर है और दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जिंदगी से अगर हम दूर रहते हैं तो परेशानियों के उतने ही करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो था खास करके तुला राशि वालों के लिए और वृष राशि वालों के लिए, लेकिन अगर आपकी कोई भी राशि है और आपकी राशि में शुक्र की भूमिका अच्छी नहीं है, या फिर मान लीजिए डिग्री वाइज शुक्र पीड़ित है, या फिर आपकी राशि में भी शुक्र बैठे हुए हैं, विराजित है, पाप कर्तरी में है, और या फिर दृष्टिगत अगर दृष्टि से भी संबंध शुक्र के ऊपर मैलिफिक प्लैनेट्स की पड़ रही है और उसी की दशा है और खास करके छिद्र दशा है, तो ये शुक्र आपको ज्यादा परेशानी दे सकता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराना चाहें तो किसी को भी जिन्हें आप जानते हैं या जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं उन्हें अपनी कुंडली जरूर दिखाइए, क्योंकि शुक्र अगर आपको लग्जरीज देंगे तो शुक्र आपकी जितनी पहले अंदर लग्जरीज पड़ी हुई है ना उसे भी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्र वृष राशि में अपनी ही राशि में जा रहे हैं बट पाप कर्तरी में होने से मैलिफिक प्लेनेट यानी पॉजिटिव प्लेनेट से नहीं नेगेटिव प्लेनेट के एस्पेक्ट में होने से ये समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरली आपको किसी भी घेरे में ला सकते हैं। तो ज्यादातर आपको तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में सही कंडीशन में नहीं है तो आपको एटलीस्ट ये डेज यानी 4th से लेकर के 28th तक आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा चुकन्ने रहने की जरूरत है, इत्र का प्रयोग आप ज्यादा कीजिएगा, अपने कमरे को खास करके खुशबूदार रखिएगा, यानी फ्रेग्रेंस आप अपने कमरे में जरूर रखिएगा, और इसके अलावा रात को सोने से पहले आपने अपने पैर जरूर धोने हैं, धो करके ही आपने रात की निद्रा करनी है, रात का शयन करना है, इससे आपका
ये फायदा होगा कि एक आपकी कंट्रोलिंग होगी आपकी खुद की मनी के ऊपर, और दूसरा सामने वाले आपके पैसा देख करके शत्रु नहीं बनेंगे, और तीसरा जितना ज्यादा आप दिखावा करते हैं तो वो भी आपको अपने आप ही कंट्रोलिंग की तरफ लेकर के जाएगा, और आप सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और फिर शांत भी रहेंगे। तो देखा आपने, शुक्र का बदलाव कुछ परेशानियां भी ला सकता है लेकिन बहुत सारी चीजें भी ला सकता है। तो बैलेंस कैसे बनाना है ये आपको हमने एक टोटका बता दिया है, एक उपाय बता दिया है। इस उपाय को आप जरूर कर लीजिए ताकि आप सुरक्षित भी रहें और प्लेनेट का चेंज आपको कोई भी किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, क्योंकि मिलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन कंसल्टेंसी, फोन कंसल्टेंसी अवेलेबल है। अगर आप फोन पर कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो आप अपनी नंबर्स जो दिए हुए हैं उन नंबर्स पर फोन करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।